हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशंस जो थ्रू आउट द चैप्टर चलेंगी। उनमें स्टार्टिंग में है हमारा सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is taken into consideration for thermodynamic study is called system, यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमने किसी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए चूज किया है उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है हमारे पास जिसका नाम है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स excluding system is called surrounding। यानी यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा सराउंडिंग होता है। एक होता है बाउंड्री द वॉल दैट सेपरेट और एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग is called boundary। यानी कोई भी वो चीज़ जो सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। अगला हम देखते हैं, सिस्टम जो है हमारा वो तीन प्रकार का होता है। सिस्टम इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड इसको किया गया है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज ओपन सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी यानी हीट और मैटर दोनों के दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए एक कप ऑफ टी, ओपन कप ऑफ टी यू कैन से, इसमें चाय रखी हुई है, ओपन है, इसमें इट विल इवेपोरेट, तो इसका मतलब वो ठंडी भी होगी। ठंडी होने का मतलब एनर्जी इज एक्सचेंजिंग इन द सराउंडिंग, और इसका जो मैटर है वो इवेपोरेट होगा, इसका मतलब मैटर में भी कुछ कमी आएगी। दैट्स वाई इट इज़ द ओपन सिस्टम। ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एक क्लोज्ड सिस्टम। सेकंड एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसकी सेकंड टाइप है सिस्टम की, विच इज़ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? सिंपली ए सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी एक्सचेंज
इन सराउंडिंग और यू कैन से विद सराउंडिंग बट नोट मैटर. सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ए कप ऑफ टी इज टेकन एंड विच इज कवर्ड विद प्लेट. ये प्लेट के साथ कवर्ड है. अब प्लेट के साथ कवर्ड है, इसका मतलब ये है कि इसकी ठंडी तो होगी ये, इसका मतलब एनर्जी इज एक्सचेंजिंग, लेकिन इसकी जो कंटेंट है, इसके अंदर मास है, इसके अंदर मैटर है, वो सेम रहेगा. इसलिए मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं. तीसरा जो सिस्टम है वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नोर मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क इसका एग्जाम्पल हो गया. यानी थर्मस फ्लास्क में अगर हम रखते हैं तो वो चीज़ ना तो ठंडी होती है और ना ही उसका मैटर एक्सचेंज होता है. यानी एनर्जी और जो मैटर है वो सेम रहते हैं, वो एक्सचेंज नहीं होते हैं सराउंडिंग के साथ. तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. तो ये कुछ कॉमन डेफिनेशन थी. इनके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं दो, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. वो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. दो टाइप की होती हैं. एक हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चलिए पढ़ते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से आपको रूबरू करवा देता हूँ. डेफिनेशन आपने पढ़ी भी होगी, बुक में भी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं भी. एक्सटेंसिव रियल में है क्या चीज़? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द मेजरेबल प्रॉपर्टी और सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम. द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. यानी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के साइज पे और अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. एंड नॉट ऑन नेचर, सिंपली नॉट ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन द सिस्टम. यानी सिस्टम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस बात पे डिपेंड करे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो गई. इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, वी हैव सिस्टम, इसकी मास सपोज m है और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास सपोज t है. मान लीजिए हमने इसी सिस्टम को जिसकी मास m है और टेम्परेचर t है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब मैं अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो इसकी मास क्या होनी चाहिए? इधर वाले पार्ट की मास क्या होनी चाहिए? तो सिंपली मास हो जाएगी हमारे पास m बाई टू, और इधर वाले की भी मास क्या हो जाएगी? m बाई टू. इधर वाले का टेम्परेचर क्या होगा? क्या टेम्परेचर भी टी बाई टू होगा? नहीं, टेम्परेचर टी बाई टू नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो हर पार्ट में सेम होगा. तो टेम्परेचर इधर भी टी रहेगा और इधर भी
टी रहेगा। तो इस प्रकार से डिवाइड करने पर, यानी सिंपली व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, दो से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, तो जब कोई क्लोज्ड सिस्टम है उसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, हमारे पास हाफ हो गई वैल्यू, इसका मतलब जो मास है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और टेम्परेचर क्योंकि सेम है, चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल फंडा है, जब किसी सिस्टम को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दें तो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव, और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो क्या होती है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। चलो इस बात को मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम, व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम इज डिवाइडेड, व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, टू और मोर पार्ट्स, देन द प्रॉपर्टीज, देन द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू चेंजेस, हुज वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अनदर डेफिनेशन हो गई। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो इसके एग्जांपल भी हम साथ साथ देख लेते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बहुत ही कॉमन एग्जांपल क्या क्या हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड कर लेता हूँ, एग्जांपल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स में हमारे पास आता है मास, मास के बाद एक वॉल्यूम आता है, आप करके देख सकते हो, जैसे वॉल्यूम भी इसका चेंज होगा सिंपली, नंबर ऑफ मोल्स आप देख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी डिवाइड करने से चेंज हो जाएगा, हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको हम फर्दर इसी यूनिट में आगे डिटेल से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। उसके बाद इंथैल्पी के बाद एक हमारा आता है इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, यानी सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी हैं वो, जैसे ये सब थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हैं, तो ये सारी, और मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अभी आइए हम बढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की ओर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which do not depend on the size of system, यानी जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती है, एंड अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी ये जस्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की उल्टी है, इसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच डो नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी और अमाउंट ऑफ मैटर, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम है उस पर डिपेंड ना करे, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
या फिर हम उसमें जो हमारा प्रीवियस था, जैसे मैंने बताया था आपको ये सिस्टम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जैसे टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर डिवाइड करने के बाद भी वही रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गई हमारी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी वर्ड्स में, व्हेन ए क्लोज्ड सिस्टम, व्हेन ए सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, टू और मोर पार्ट्स, देन द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डू नॉट चेंज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसके एग्जांपल्स जो रहेंगे उसमें है टेम्परेचर हमारा, उसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसमें हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, डेंसिटी, डेंसिटी भी एक एग्जांपल है, मोलरिटी, मोलरिटी या सिंपली इसको हम कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स में आएगा ट्वेल्थ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऊपर वाले में हीट कैपेसिटी था, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। उसके बाद आप इसमें पीएच और ईएमएफ भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आइए एक चीज़ और देखते हैं, हम ये चेकआउट करते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आइए चेक करते हैं। आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज गैस इक्वेशन। तो आपको ये भी पता है कि P जो है वो NRT अपॉन V हो जाएगा, वेरी सिंपल। वही बात मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर अन मोल्स हैं, अन नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका T टेम्परेचर है और इसका V वॉल्यूम है एक्सपोजी सिस्टम का। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका प्रेशर जो है, इस पूरे का प्रेशर P है, इस पूरे सिस्टम का प्रेशर P है, नंबर ऑफ मोल्स N है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या क्या चेंज हुआ बोलो, नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ, यस N बाई टू, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, यस वॉल्यूम चेंज हुआ। तो जो चेंज हुआ वो एक्सटेंसिव, जो चेंज ना हुआ वो इंटेंसिव। इसका मतलब ये एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव होगा, यहाँ तक बात तो क्लियर है, लेकिन प्रेशर के बारे में हम चेकआउट करना चाह रहे हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी, सिर्फ हम इस पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि इस पार्ट का प्रेशर चेंज हुआ या प्रेशर उतना ही है। तो एन की जगह पे मान लीजिए मैंने पुट कर दिया एन बाई टू, ये आपका आर हो गया, टी की जगह पे आपका टी रहेगा और वी की जगह पे मैंने रख दिया वी बाई टू, क्योंकि इधर वाले का वॉल्यूम वी बाई टू है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वापस एन आर टी अपॉन वी। पहले भी इसका प्रेशर, पूरे सिस्टम का प्रेशर एन आर टी बाई वी था, डिवाइड करने के बाद इस पार्ट का भी एन आर टी बाई वी है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज नॉट चेंजिंग ऑन डिवीजन, यानी डिवाइड करने पर, सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, हेंस इट इज व्हाट, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं करता हूं स्टार्ट, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए पहली करेक्टरिस्टिक्स, मान लीजिएगा
ए जो है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बी जो है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ए बाई बी या आप ये भी लिख सकते हो डी ए बाई डी बी, ये ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यानी सिंपल सी बात यह है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो जो नई प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी आएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है, इसको मैं लिख देता हूँ, द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशो है वो ऑलवेज क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। चलो इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं हम एग्जाम्पल से। मोलरिटी के बारे में हम देखते हैं। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको पता है मोल जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों को जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो मोलरिटी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने पीछे लिखा भी है कौन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी किसमें आती है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है हमारी। तो दिस इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, सेकंड, इसमें एक एग्जांपल और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे डेंसिटी है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो दिस इज आर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मूव करते हैं। तो द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी वो ये है दूसरी। इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास पर यूनिट मोल और पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इस प्रकार से कोई भी रिप्रेजेंट कर रखी है पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मोल, तो इट बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रहे, मैंने कहा कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को उसको इस प्रकार से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑलवेज क्या होगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। चलो देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास इंथैल्पी है, तो इंथैल्पी आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मोलर इंथैल्पी क्या होगी, मैं इधर लिख देता हूँ मोलर इंथैल्पी। मोलर इंथैल्पी का मतलब हो गया इंथैल्पी पर यूनिट मोल, पर मोल इंथैल्पी। तो इसका मतलब मोलर इंथैल्पी क्या होगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से हमारे पास एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ मोलर एंट्रोपी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी पर यूनिट मोल, वही बात। इसी तरह से गिब्स एनर्जी ये क्या है, हमारी एक्सटेंसिव। और अगर मैं इसको लिख दूँ मोलर गिब्स एनर्जी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जैसे हीट कैपेसिटी की अगर बात करें, हीट कैपेसिटी, तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी डेफिनेशन होती है इसकी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो आपको पता है
हीट कैपेसिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट मास में या इनमें, तो वो क्या हो जाती है इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से मोलर हीट कैपेसिटी अगर हो, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, तो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है हमारी वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। ये हमारी इंटेंसिव जो है वो नॉन एडिटिव होती हैं, और ये क्या होती हैं, एडिटिव।